lecture we are talking about that of esophagus. In this early video lecture we are talking about that various types of anatomical structures जिसके बारे में हमने स्टडी किया था माउथ देन आफ्टर टंग के बारे में. ओके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ईसोफेगस के बारे में. ओके यानी कि हमारी ईसोफेगस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो मेन हिस्सा है. ओके जो माउथ से फूड को लेकर हमारे स्टमक तक पहुँचाने का काम करती है वैसे ही ईसोफेगस अदर टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में किस टाइप की है और उसका क्या क्या फंक्शन है उसकी स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं. मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा. ओके तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो लेक्चर जो है ईसोफेगस पर. यहाँ पर मैंने आपको जीराफ का जो फिगर है उसकी जो पिक्चर है वो शो की है. उसके बारे में हम अभी नहीं लेकिन आगे वीडियो में जानेंगे. ओके क्यों शो की है मैंने. तो ईसोफेगस इज वन टाइप ऑफ द सिंपल मस्क्यूलर डिस्टेंसिएबल ट्यूब कनेक्टिंग टू द स्टमक. ओके तो क्या है वन टाइप ऑफ द ट्यूब है वो बहुत ही सिंपल होती है मस्क्यूलर होती है यानी कि वो मसल से बनी हुई थी. डिस्टेंसीबल है यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकता है यानी कि पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट के थ्रू फूड का जो बॉल्स है बॉल्स जो है वो क्या कहाँ तक आएगा स्टमक तक आएगा. ओके इट्स लेंथ रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ नेक. ओके तो ये जो वर्ड है ये जो सेंटेंस है अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि नेक की जो लेंथ है. ओके सॉरी length of neck proportional to that length of esophagus. yes ये बहुत ही कॉमन बात है लेकिन कुछ टाइप्स के स्टूडेंट को नहीं पता होती. ओके कि जितनी बड़ी नेक हो उतना ही बड़ा हमारा इसोफेगस होगा. इसीलिए तो वेरी शॉर्ट नेकलेस वर्टिब्रेट्स यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ऐसा देखा गया है कि उसमें ईसोफेगस जो है वो बहुत शॉर्ट रहती है. ओके क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो नेक है नेक वाला जो पोर्शन है वो थॉरेक्स के साथ क्या होता है हो जाता है थॉरेक्स के साथ वो कंबाइन हो जाता है. ओके और एक जैसा ही ऑर्गन बनाता है सो दैट वेरी शॉर्ट नेकलेस वर्टिब्रेट्स में वेरी शॉर्ट ईसोफेगस पाई जाती है. लेकिन अगर हम जीराफ की बात करें तो जीराफ की जो नेक है ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्यों पिक्चर शो किया था इसके रीज़न के थ्रू. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके सॉरी तो जीराफ की जो नेक है उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शनल में उसकी ईसोफेगस कैसी होगी बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी. ओके देन आफ्टर इट मे बी लाइनेड विथ इंटरनली विथ फिंगर लाइक फ्लैशी पेपिली. उसमें क्या होता है इलास्मोब्रांकीज जैसे फिशीज में फ्लैशी लाइक पेपिली पाई जाती है. ओके द हॉर्नी पेपिली विच आर फाउंड इन दैट मरीन टर्टल्स देन आफ्टर लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स भी पाए जाते हैं ईसोफेगस में. ओके तो इस टाइप की क्या होती है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हमने देखी कि हमारे ईसोफेगस में क्या होता है तो हमारे ईसोफेगस में मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके इलास्मोब्रांकी में क्या होता है फ्लैशी पेपिलाई होती है मरीन टर्टल्स में हॉर्नी पेपिलाई होती है और लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं. देन आफ्टर जो ग्रेन फीड कर रहे हैं ओके ग्रेन फीडिंग जो बर्ड्स है उसमें जो ईसोफेगस होती है वो आगे चलकर पैर्ड या फिर अनपैर्ड मेम्ब्रेनस सैक बनाती है जिसे कहा जाता है क्रॉप. ओके जो क्या है मॉडिफाइड स्टोरेज ऑफ फूड टाइप का वो क्या है स्टोरेज है. ओके वो क्या करेगा फूड का स्टोरेज करेगा कौन क्रॉप. ओके किस में तो बर्ड्स में.
बर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि जो ईसोफेगस है वो आगे चलकर क्या बनाती है, क्रॉप बनाती है, और वो क्रॉप क्या करती है, फूड का स्टोरेज करती है. ओके, देन आफ्टर द बोथ सेक्सेस ऑफ द पीजियन, पीजियन में हमने आगे भी पढ़ा था कि उसमें पीजियन लाइक मिल्क होता है. ओके, जो मिल्क है वो बनता है, वो बोथ सेक्सेस में पाया जाता है, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो बोथ एनिमल्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों में होती है, और बोथ एनिमल्स बोथ पीजियंस में जो क्रॉप है वो क्या करती है, क्रॉप जो है वो सीड का स्टोरेज करती है. और जब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द क्रॉप अंडरगोज द फैटी डिग्रेडेशन कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन ऑफ द प्रोलैक्टिन द फॉर्मिंग ऑफ द पीजियन मिल्क्स. ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन अगर सीक्रेट हुआ तो फैटी डिग्रेडेशन होगा. ओके, देन आफ्टर पीजियन मिल्क बनेगा, और पीजियन मिल्क जो है वो माउथ के हिसाब से बाहर आएगा, और वो क्या कर सकेंगे, अपने जो नेस्टलिंग्स है उसका फीडिंग कर सकेंगे, यानी कि पेरेंटल मैकेनिज्म का रोल प्ले कर चुके हैं, कर सकते हैं. ओके, पीजियन मिल्क के थ्रू. तो ये थी ईसोफेगस की बात. देन आफ्टर हमने आगे भी पढ़ा कि पेरिस्टालिसिस फाउंड इन द ईसोफेगस विच इज़ हेल्प फॉर दैट बॉल्स मूवमेंट. ओके, पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है यानी कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन रिदम वाइज होता है, जिसके हिसाब से क्या होता है, तो जिसके हिसाब से जो बॉल्स है वो क्या करेगा, आगे चलेगा, आगे सरकता हुआ जाएगा और स्टमक में पहुंच जाएगा. ओके, तो ये थी ईसोफेगस की बात. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर यानी कि स्टमक. तो स्टमक से ही हमारी डाइजेशन शुरू शुरू होती है. ओके, पार्शियली यहाँ पर डाइजेशन होगा, आपको पता ही है, प्रोटीन का. द सैक लाइक एनलार्जमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिटवीन द ईसोफेगस एंड द इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड द स्टमक. ओके, बहुत ही सैक लाइक एनलार्जमेंट है, जहाँ पर वो उसकी लोकेशन अगर हम देखे जाए तो वो कहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर हम कॉमन वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ये ध्यान में रखिएगा, हम पर्टिकुलर ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, सभी वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं यहाँ पर. तो ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में जो सैक है, ओके, उसे कहा जाता है स्टमक, विच इज फाउंड इन द डोर्सल मेसेंटरी एंड इट इज एक्ट एज अ टेम्पोररी स्टोरेज एंड मैस्करेशन ऑफ द सॉलिड फूड एंड फॉर प्रिलिमरी स्टेजेस ऑफ द डाइजेशन. ओके, यहाँ पर कुछ टाइप्स के डाइजेशन होते हैं, यानी कि प्रोटीन का पार्शली यहाँ पर डाइजेशन होगा, और टेम्पोररी स्टोरेज ऑर्गन भी कहा जाता है स्टमक को. What are all animals contain true stomach? Okay, तो यहाँ पर ये मैंने ये क्वेश्चन रखा है आपके लिए कि क्या all animals जो है उसके पास true stomach होता है. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि protocordates, cyclostomes और chimerias और then after lung fishes और some of that teleosteas में ट्रू स्टमक नहीं पाया जाता. ओके, प्रोटोकॉर्डिड्स आ गए, साइक्लोस्टोम्स आ गए, और काइमेरियाज एंड लंग फिशेज और आफ्टर दैट टीलीऑस्टियाइज में जो ट्रू स्टमक है वो नहीं पाया जाता. तो किस में ट्रू स्टमक पाया जाता है? ओके, तो व्हेन ओनली हम किसे ट्रू स्टमक कहेंगे? ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, तो ट्रू स्टमक उसे ही हम कहेंगे कि जिसमें एपिथेलियल लाइनिंग इज अ कंटेन दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट इज कॉल्ड द ट्रू स्टमक. यानी कि स्टमक में, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होनी चाहिए, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, ट्रू स्टमक. ओके, प्रोटोकॉर्डिस, साइक्लोस्टोम्स, काइमेरिया, स्टीलियोस्टियाइज एंड लंग फिशेस में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एपिथेलियल लाइनिंग में नहीं पाई जाती, सो दैट दोज एनिमल्स डज नॉट कंटेन ट्रू स्टमक. यहाँ पर यह हमारी बात कंप्लीट नहीं होती, स्टमक के रिलेटेड ऑल भी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं. अ वेल डेवलप्ड स्टमक अकर इन इलास्मोब्रांकीस एंड रेट्रोपोड्स. ओके, वेल डेवलप्ड स्टमक फर्स्ट ऑफ ऑल किस में देखा गया था, तो इलास्मोब्रांकीस यानी कि हमारी जो शार्क जैसे फिश है उसमें, और साथ ही साथ रेट्रोपोड्स में.
स्टमक एंटीरियर एंड इज कॉल्ड द कार्डियक एंड. ओके, स्टमक का जो एंटीरियर एंड है उसे कहा जाता है कार्डियक एंड. मेन सैक जो है उसे कहा जाता है बॉडी. और द कॉडल एंड कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड द पाइलोरिक एंड. ओके, तो ये हो गई हमारे स्टमक के पार्ट्स की बात. ओके, कि हमें उसे कौन कौन से पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक फंक्शन. ओके, तो पाइलोरिक एंड जो है वो क्या होता है, स्टमक से और इंटेस्टाइन से दोनों को कनेक्ट करके रखता है. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करके रखता है और वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है. कौन सा वाला पार्ट, पाइलोरिक एंड. बट ध्यान में रखिएगा, द पाइलोरिक वाल्व और स्पिंचर विच इज कंट्रोल दिस मैकेनिज्म. ओके, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है कि स्टमक में, अभी तो स्टमक में फूड आया ही है. ओके, लेकिन अगर क्या हुआ कि जो फूड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वाल्व ना हो, अगर पाइलोरिक वाल्व प्रेजेंट ना हो, तो तुरंत ही स्टमक में से जो भी फूड है वो सीधा सीधा कहाँ पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. ओके, ऐसा ना हो उसके लिए क्या रखा है, पाइलोरिक वाल्व रखा है. पाइलोरिक वाल्व वो क्या करता है, तो स्टमक को क्लोज करके रखता है. ओके, स्टमक की और स्टमक के अंदर जो फूड आता है उसमें पार्शियल डाइजेशन हो जाए, यानी कि HCL के थ्रू, पेप्सिन के थ्रू, देन आफ्टर म्यूकस रिलेटेड जो भी डाइजेशन होना था वो अगर स्टमक में हो गया है तभी जाकर पाइलोरिक वाल्व क्या करेगा, ओपन होगा और जो फूड है वो क्या कहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा. ओके, देन आफ्टर फिशीज कंटेन फिंगल लाइक प्रोजेक्शन एट द फंक्शन ऑफ द पाइलोरस एंड ड्यूडेनियम. ओके, तो फिशीज में क्या होता है, ये हमने बात करी, पाइलोरिक वाल्व होता है किसमें, हाई वर्टिब्रेट्स में. लेकिन फिशीज यानी कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उसमें क्या पाया जाता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है पाइलोरस एंड आफ्टर ड्यूडेनियम के बीच में. ड्यूडेनियम क्या है, तो ड्यूडेनियम इज दैट एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन आफ्टर स्टमक इज अ स्ट्रेट इन वर्टिब्रेट्स. ओ, कुछ टाइप्स के वर्टिब्रेट्स में स्टमक जो है वो स्ट्रेट होता है. द एम्ब्रियो बट रिमेन सो थॉट थ्रू आउट द लाइफ इन लोअर वर्टिब्रेट्स. यहाँ पर आप लिख दीजिएगा थॉट की जगह पर थ्रू आउट. ओके, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है लिखने में, इसको मिटा दीजिए और लिखना थ्रू आउट. तो कुछ टाइप्स के लोअर वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखा गया है, लोअर वर्टिब्रेट्स में, कि जो स्टमक है वो लार्वल स्टेज में तो वो क्या होता है, स्ट्रेट होता ही है, लेकिन उसके लाइफ स्पान में, पूरे लाइफ स्पान में कैसा रहता है, स्ट्रेट ही रहता है. ओके, तो ये स्टमक जो है वो स्ट्रेट रहेगा लोअर वर्टिब्रेट्स में और उसके थ्रू आउट द लाइफ लोअर वर्टिब्रेट्स यानी कि साइक्लोस्टोम्स, सालामांडर, बेलोन जैसी फिशीज और गार में जो स्टमक है वो कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है. ओके, देन आफ्टर यहाँ पर मैंने बताया है शेप, यहाँ पर शेप है, लेफ्ट साइड पर शेप है और राइट साइड पर क्या है, वर्टिब्रेट्स के नाम. ओके, तो हम देखते हैं बारी बारी से. देखिए यहाँ पर क्या है, लॉन्ग स्पिंडल शेपेड स्टमक विच आर फाउंड इन दैट प्रोटियस, नेक्चुरस, स्नेक्स एंड मैनी लिजार्ड्स. ओके, तो लॉन्ग स्पिंडल शेपेड जो स्टमक है वो किस किस में पाया जाता है, तो प्रोटियस, नेक्चुरस, स्नेक्स एंड द लिजार्ड्स में. देन आफ्टर वाइड कर्व शेपेड स्टमक विच आर फाउंड इन द टर्टल्स एंड टॉर्टोइस. जे शेपेड और यू शेपेड स्टमक विच आर फाउंड इन दैट ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स में जे शेपेड स्टमक पाया जाता है. साथ ही साथ इलास्मोब्रांकिस और ग्लोबियस और सील्स में भी
कैसा स्टमक पाया जाता है, जे शेपेड। देन आफ्टर ब्लाइंड पाउच, ब्लाइंड पाउच है किसमें, पॉलिप्टेरस में, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अगर स्टमक जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोवेंट्रिक्यूलर्स, प्रोवेंट्रिक्यूलर्स, वेंट्रिक्यूलर्स एंड वेंट्रिक्यूलर्स, ओके। तो वो किस टाइप में पाया जाता है, तो बर्ड्स में पाया जाता है, ओके, बर्ड्स। तो ये बात हो गई शेप, यहाँ पर हमने शेप लिखे थे और यहाँ पर लिखे थे हमने मैमल्स के नाम, ओके। कौन कौन से मैमल्स में कौन कौन सा शेप वाला स्टमक पाया जाता है। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, उसे बारीकी से पढ़िएगा कि शॉर्ट कॉनकेव बॉर्डर इज कॉल्ड लेजर कर्वेचर एंड लार्ज कॉन्वेक्स बॉर्डर इज ग्रेटर कर्वेचर, एक्सपांशन ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर एंड फॉर्म्स द फंडस रीजन ऑफ द स्टमक, ओके। तो यहाँ पर दो टाइप्स के कर्वेचर पाए जाते हैं, लेजर और ग्रेटर। कॉनकेव टाइप का अगर बॉर्डर है तो वो क्या क्या बनाएगा, लेजर कर्वेचर, ओके। देन आफ्टर लेजर कर्वेचर कॉनकेव टाइप, देन आफ्टर ग्रेटर कर्वेचर इस टाइप का, ग्रेटर कर्वेचर विच इज अ कॉन्वेक्स टाइप, ओके। और उसके हिसाब से क्या बनता है, फंडस रीजन बनता है स्टमक का। जस्ट अ मिनट, दिस वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बताया है ग्रेटर कर्वेचर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर है ग्रेटर कर्वेचर, ओके, जो क्या था, कॉनकेव टाइप का था, ओके। और लेजर कर्वेचर कॉन्वेक्स टाइप का था, जिससे बनता है फंडस रीजन, और यानी कि स्टमक का क्या बनता है, कर्व बनता है और उसके हिसाब से स्टमक का शेप होता है, ओके। ग्रेटर कर्वेचर दिखने को मिलता है और लेजर कर्वेचर दिखने को मिलता है। ईसोफेगस से फूड आता है, देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडस बॉडी पार्ट है, ओके। देन आफ्टर पाइलोरिक एट्रियम है और पाइलोरस है, जो तुरंत ही डियोडेनियम में क्या होता है, ओपन होता है। द स्टमक इज अ वेल डिफाइंड डिवाइडेड इंटू द फोर कंपार्टमेंट्स, फोर कंपार्टमेंट्स से उसे डिवाइड किया जाता है, फंडस बॉडी कार्डियक एंड पाइलोरस और ऑल्सो कॉल्ड द पाइलोरिक स्टमक। उसके बाद आता है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने बताया है कैमल का डायग्राम, कि जिसमें क्या होता है, ईसोफेगस के तुरंत ही यहाँ पर स्टमक नहीं पाया जाता, लेकिन स्टमक के जैसा ही दिखने वाला यहाँ पर मैं आपको राउंड करके बताती हूँ, ओमासम और ऑल्सो कॉल्ड एज एबोमासम, ओके। वैसा ही कुछ फिगर आपको दिखने को मिलता है, यस, ओके। जो आगे चलकर क्या बनाता है, वो आगे चलकर रेटिकुलम और रिमेन रूमेन जैसा पार्ट बनाता है, ओके। यहाँ पर आपको मैं कहना चाह रही हूँ कि कैमल जो है वो क्या है, हाई वर्टिब्रेस में आता है, ओके। हाई वर्टिब्रेस यानी कि मैमल्स में आता है और वो एक रण का प्राणी है, एनिमल है, ओके। आमतौर पर वो वहाँ पर ही डेजर्ट लाइक प्लेसेस में ही वहाँ पर दिखने को मिलता है, तो उसे पानी की तंगी नहीं महसूस होती, लोग ऐसा कहते हैं, ओके। लेकिन उसका जो मेनली जो रूमेन वाला जो पोर्शन है, रूमेन वाला पोर्शन और रेटिकुलम वाला पोर्शन, उसमें तो ऐसा नहीं देखा गया कि पानी जो है, पानी वो स्टोर हो रहा है, ओके, तो ऐसा नहीं देखा गया। ये थी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देन आफ्टर ब्लड शकिंग बैट में, ब्लड शकिंग बैट दैट इज़ अ एनिमल कंटेन दैट पाइलोरिक स्टमक एज अ ब्लड स्टोरेज, ओके। तो जो ब्लड शकिंग बैट है उसमें जो पाइलोरिक स्टमक रहता है वो
ब्लड का क्या करता है, स्टोरेज करता है। हमें ये भी पता है कि स्टमक में क्या होता है, बहुत टाइप की डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स पाई जाती है। तो जिसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल फंडिक ग्लैंड्स। फंडिक ग्लैंड्स कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज दैट म्यूकस स्नेक सेल्स विच इज सीक्रेट दैट म्यूकस। म्यूकस स्नेक सेल पाए जाते हैं। देन आफ्टर ऑक्सेंटिक सेल्स पाए जाते हैं, जाइमोजन सेल्स पाए जाते हैं। तो ऑक्सेंटिक सेल्स विच इज सीक्रेटेड दैट एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन करते हैं। कौन? ऑक्सेंटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट स्टमक। जाइमोजन सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो आमतौर पर पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रीट होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, वो तुरंत ही प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू नहीं कर देगा। जब HCl आएगा तब HCl की पीएच पर यानी कि 4 या 5 की पीएच पर पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। देन आफ्टर पेप्सिन विच इज डाइजेस्टेड प्रोटीन पार्ट्स। ओके, प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करेगा और पेप्सिनो और वो पार्शली डाइजेस्ट करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा यानी कि प्रोटीन में से तुरंत ही अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। ओके, वो पेप्टॉन्स और प्रोटीओसिस का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। पेप्सिन विच इज डाइजेस्ट पार्शली डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स पेप्टॉन्स एंड प्रोटीओसिस। नॉट कंप्लीटली डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता वो, ओनली फॉर ओनली प्रोटीन में से क्या बना देता है, प्रोटीन्स के कुछ टाइप्स के बॉन्ड्स तोड़कर उसे पेप्टॉन्स और प्रोटीओसिस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने देखा म्यूकस स्नेक सेल्स होते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं और जाइमोजन सेल्स होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, फंडिक ग्लैंड्स में। और फंडिक ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, स्टमक में। अब दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, तो तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोस्टी बट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और इस वीडियो के अगर आप ये जानना चाहते हो कि ईसोफेगस के वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में किस किस टाइप के शेप की ईसोफेगस पाई जाती है तो उसके बारे में भी हम वीडियो बना ही लेंगे। ओके, तो आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।